हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ काले चने की सब्जी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसे मैं बिना बॉयल किए हुए बिल्कुल आसान तरीके से बनाने वाली हूँ, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस पर हमने कुकर रख दिया है। अब कुकर में डालेंगे तेल, तेल हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें सबसे पहले हम आलू को फ्राई करेंगे। आलू को हम सुनहरा फ्राई कर लेंगे। आलू हमारे सुनहरे हो चुके हैं, अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम तेल में कुछ खड़े मसाले डालेंगे। एक इलायची, एक दालचीनी, दो लौंग, एक तेजपत्ता, आधा चम्मच जीरा। जीरा हमारा छटकने लगा है। अब यहीं पर एक प्याज, जिसे हमने लंबे पीसेस में काट रखे हैं, वो डालूंगी। अब हम प्याज को सुनहरा भून लेंगे। प्याज हमारा सुनहरा हो चुके हैं, ये देख सकते हैं। अब यहीं पर डालेंगे अदरक लहसुन, जिसको हमने कूट लिया है। आप इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब यहीं पर डालेंगे दो हरी मिर्च, जिसे हमने चीरा लगा लिया है। अब इसे हम थोड़ी देर भून लेंगे, ताकि अदरक और लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब यहीं पर एक प्याज का मैं पेस्ट बनाकर रखी हूँ, वो डालूंगी। अब इसे भी हम थोड़ी देर भून लेंगे। अब यहीं पर हम मसाले डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, यहाँ पर हमने गैस का फ्लेम लो रखा है। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप जितना तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से मिर्ची डाल सकते हैं। अब यहीं पर डालें एक चम्मच मीट मसाला। अगर आपके पास छोला मसाला हो तो वो भी डाल सकते हैं। इससे सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब मसाले जले नहीं तो थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब हम मसालों को थोड़ी देर भून लेंगे। अब यहीं पर डालेंगे एक टमाटर का पेस्ट। अगर आपके पास टमाटर न हो तो आप यहाँ पर अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। अब यहीं पर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब हम मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे, जब तक कि मसाले में से तेल न छोड़ने लगे। मसाले हमारे भून चुके हैं, अब यहीं पर हम छाना को डालेंगे। अब छाने को हम मसाले में अच्छी तरह से भून लेंगे। आप चने को जब भी भूनिएगा तेल में मत भूनिएगा, मसाले में ही भूनिएगा। इससे क्या होता है कि चना हमारा जल्दी से गल कर तैयार हो जाता है, काफ़ी सॉफ्ट बनता है सब्जी। अब यहीं पर हम आलू फ्राई किया हुआ भी डालेंगे। अब इसे हम थोड़ी देर भून लेंगे, इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है। ऐसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे, ताकि मसाले जो है चना में अच्छी तरह से लिपट जाए। सब्जी हमारी अच्छी तरह से भून चुकी है, ये देख सकते हैं। अब यहीं पर हम पानी डालेंगे। ज़रूरत के अनुसार आप पानी डालिएगा, जितना ग्रेवी आप रखना चाहते हैं उस हिसाब से पानी डालिएगा। अगर आपके पास छोला मसाला या मीट मसाला नहीं है तो आप मसाले की मात्रा बढ़ा सकते हैं। अब यहीं पर डालेंगे आधा चम्मच गर्म मसाला पाउडर। यह घर का बनाया हुआ गर्म मसाला पाउडर है। अब इसे हम सब्जी में मिक्स कर देंगे। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 सीटी लगा लेंगे। 5 से 6 सीटी लग जाने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और कुकर की सीटी स्वयं खुलने देंगे। कुकर की सीटी हमारी खुल चुकी है। अब हम सब्जी को चेक कर ले रहे हैं।
सब्जी हमारी बनकर तैयार है। ये देख सकते हैं ग्रेवी काफी गाढ़ी हो चुकी है। अब एक चना को मैं आपको मैश करता दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा मेरा चना पका हुआ है। अगर ग्रेवी पतली है तो आप क्या करें, थोड़ा सा दो तीन आलू ले लें और चना को इस तरह से मैश कर लें, मैश करके डाल दें। इससे क्या होगा कि आपकी ग्रेवी जो है गाढ़ी हो जाएगी। और एक फायदा यह होगा कि अगर आपके सब्जी में तेल ज़्यादा हो गया है तो इस तरह से मैश करके डालने से सब्जी में तेल की मात्रा भी कम हो जाएगी। अगर सब्जी में ग्रेवी गाढ़ी है तो आप क्या करें कि गर्म पानी का इस्तेमाल करें, ठंडा पानी मत डालिएगा। गर्म पानी कर थोड़ा सा डाल दीजिएगा। चना की सब्जी हमारी बनकर तैयार है। इसे हमने बिना बॉयल किए हुए बनाया है। बिना बॉयल किए हुए चना की सब्जी बॉयल किए हुए चना की सब्जी से कहीं ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इस तरह से आप भी एक बार ट्राई अवश्य करें। अगर रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस रेसिपी का आनंद उठा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप देखते रहें मीना की रसोई।